स्टोरेज ऐसे का सही, बाकी बाकी के इसमें कैसे है 8 GB 16 GB रैम तो 32 GB वो तो सैमसंग फोनों में, बाकी फोनों में नहीं, एमटीके में कुछ भी नहीं, मीडियाटेक क्वालकॉम में कुछ भी नहीं, एसपीडी में 512 ऐसा कुछ भी, वो तो सैमसंग के फोन में, ठीक है। तो ये मेरा रीड हो गया, क्या डम्फल रीड हो गया, क्या रीड हो गया, अच्छा बैकअप मीडियाटेक सीपीयू स्टेप 2 आईएमई बेसमेंट की फाइल, अच्छा आईएमई बेसमेंट की फाइल रीड करने के लिए मुझे फैक्ट्री इमेज भी क्लिक करना है। अब उसके बाद आईएमई की फाइल कौन सा है, एनवीरैम एनवी डाटा प्रोटेक्ट वन प्रोटेक्ट टू है ना, यस सर, और सिंपली रीड तुम की सबसे करता हो, अगर एक्सएनएक्स होता तो एसपीडी होता तो बी हो गया, बी के बाद एप भी कर लिए, एप के बाद जी भी कर लिए, जी के बाद टी भी कर लिए, टेस्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टेलीकॉम से दुर्गेश, और हमारी आज का जो कंसेप्ट चल रहा है वो एमएमसी की तीसरे दिन की क्लास चल रही है। तो चलिए मैं अभी लाइव दिखाऊंगा इनके अंदर कि जो हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, हमेशा हम लाइव भी आते हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हम लाइव क्लास में आपको दिखाएंगे एसर टेलीकॉम इंडिया का सबसे बड़ा लैब जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है, ये जो हमारा ये जो फील्ड है मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड है, आप ऑफ़र के चक्कर में आकर के, मतलब आप फीस कम के चक्कर में आकर के एक गलत इंस्टीट्यूट को चुन लेते हैं जिसमें आपका जो कैरियर है, क्योंकि ये जो टाइम है 1 महीना 2 महीना जो आप टाइम देते हैं, आपको मार्केट में काम करना है तो काम करने का सही तरीका नहीं मिल पाता है। तो हमारे यहाँ कोई भी ऑफ़र नहीं रहता, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ नॉलेज मिलता है, हमारे यहाँ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, हमारे यहाँ हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल दिखाई जाती है, वही चीज़ मैं अभी प्रैक्टिकल अंदर दिखाने वाला हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अपना एक कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफ़र के चक्कर में आकर के, फीस कम के चक्कर में आकर के कि अरे 10,000 में 5,000 में, अरे 500 रुपये में भी एमएमसी का प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है पर मुझे नहीं पता कि 500 में क्या सिखाया जाता होगा, यहाँ पे आपको ब्लैक पेस्टेड हर एक चीज़ भी प्रैक्टिकल हम हमेशा लाइव आकर के आपको दिखाते ही दिखाते हैं। तो चलिए अभी एक मिलन सर हमारे एमएमसी क्लास ले रहे हैं और उनसे हम पूछेंगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, और एक्चुअल में अभी पता भी नहीं है कि उनको कि हम लाइव आने वाले हैं, और हम बाहर से ही अंदर जाएंगे और देखेंगे कि मिलन सर अभी क्या कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। तो ये देख सकते हैं हमारी 28 मार्च की बैच लाइव है। तो अभी पता था क्या लाइव आ रहा है? तो अभी क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं, मिलन सर से कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। तो क्या चल रहा है सर अभी? अभी सर वीवो की है हैंडसेट और ये फोन देख सकते हैं सर। अभी पता था आपको लाइव आने वाले? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था। हम बाकी ये देख सकते हैं, ये वीवो की ये लाइव क्लास चल रही है और हम लाइव में भी हैं यहाँ पे, जैसा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं लाइव में भी अभी है। तो सर बताइए क्या कंसेप्ट चल रहा है और क्या क्लास चल रही है? हमारे ये वीवो की हैंडसेट है और ये फोन डेड है जी, और जो हो रहा है लाइव बन रहा है कि नहीं बन रहा है काला चीज। अभी सुबह से लेकर हम लोग 2 सेट बना चुके हैं और समझ के बनाए हैं कि ऐसे तुक्के में, और वो सारे सेट पहले से रेडी था कि यहाँ पे आके लाइव डायग्नोस करके बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप लाइव डायग्नोस करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाए है ना। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट होता है कि लाइव फोन बनाने के बाद स्टूडेंट के अंदर एक आ जाता है हौसला कि मैं भी कर पाऊंगा जब तक लाइव नहीं होता है। तो सर यहाँ पे ये स्टूडेंट है जैसा कि आप कर रहे हैं अभी, हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? देखिए आज का कॉन्सेप्ट है हेल्थ रिपेयर करना, मतलब कोई भी फोन हो हेल्थ कैसे रिपेयर करेंगे, और 5 स्टेप ऐसे करेंगे जिसमें हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाए। बाकी वो चाहे पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड हो, वीवो हो, ओप्पो हो, वो चाहे आपकी साउमी हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सीपीयू वाइज काम करते हैं। तो सर एमएमसी तो बहुत 10,000-5,000 में भी सिखाया जा रहा है। देखिए ई एम एम सी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अगर आप 10,000 में 5,000 में सीख रहे हैं तो यूट्यूब में रहिए और खुश रहिए यूट्यूब में, मतलब आपके कहने का मतलब में सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। अब हम जो 2 दिन से पढ़ रहे हैं क्या YouTube में ये इस तरीके से बताया गया है? YouTube में इस तरीके से नॉलेज आपको नहीं है ना, YouTube में सब ये बताएगा भाई ये कर दे ये कर दो हो जाएगा, क्या ये कर दे ये कर देने से हो जाता है क्या?
हो सकता है उसी मॉडल में आप कर लिए, दूसरे मॉडल में क्या? तो क्या ये ऑनलाइन ब्लैक पेस्टेड पॉसिबल है? नहीं सर। आपको यूट्यूब में दिखा दिया गया कि ऐसे ग्लू काटना है, क्या हीट टेम्परेचर बताया जाएगा? नहीं सर। चलो बता भी दिया जाएगा तो क्या प्रैक्टिकल कर पाओगे? नहीं सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एशिया टेलीकॉम क्या करना होगा? आप यहाँ पे बताइए कौन कौन एमएमसी की हेल्थ रिपेयर कर लेगा? सभी कर पाएंगे? यस सर। अगर आपसे लाइव बोला जाए कि चलिए अभी मिलन सर नहीं, आप नहीं है मिलन सर और आपको करना है, तो कर पाएंगे? यस सर। लाइव कर पाएंगे? यस सर। तो इस टाइप का नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे? यस सर। और ये भी पता है कि किस स्टोरेज आईसी का हेल्थ रिपेयर होगा, किस स्टोरेज आईसी का हेल्थ रिपेयर नहीं होगा? तो सर अभी ये इसमें क्या फॉल्ट निकला है थोड़ा सा? इसमें जो स्टडी केस ये है कि इसको जो है ना हम लोग डेट था पोर्ट बना रहा है। क्या बना रहा था? हमने सबसे पहले टाइम वेस्ट करके फाइल डाउनलोड की। फाइल डाउनलोड करके सबसे पहले तो हमने फ्लैश किया। क्या फ्लैश किया? और फ्लैश करने के बाद क्या फ्लैश हुआ? फ्लैश हुआ नहीं था, एरर आया। और उस एरर को हमें पढ़े, और उस एरर को पढ़ने के बाद पता चला कि भाई मेरा स्टोरेज आईसी में ही प्रॉब्लम है। यस सर। है ना? यस सर। तो उसी हिसाब से हम स्टोरेज आईसी को रिमूव किए हैं और हम इसको रिवॉल्व करके डीटी करने वाले। क्या करने वाले? डीटी। क्या जो देख रहे हैं उन लोगों को डीटी का मतलब पता चलेगा? यस सर। आपको पता है डीटी? यस सर। है ना? यस सर। पर्सनल कोडिंग। चलिए तो आज का ये हमारी क्लास चल रही है और अभी बहुत सारे फोन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। सारे फोन ये डायग्नोस होने वाले हैं, दो फोन अभी डायग्नोस इनके सामने हो गए। तो कैसे चल रही है क्लास? बहुत अच्छा। लाइव ब्लैक पेस्टर पे काम कर रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम और आप कहाँ से? मैं सर सूरज, दिल्ली से। सूरज जी बताइए, आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास चल रही है, क्या चल रहा है आज? आज एमएमसी प्रोग्राम करने दिखा रहे हैं। क्या क्या कंसेप्ट है आज का एमएमसी में? आज किसी भी हेल्थ, किसी भी आईसी के हेल्थ रिपेयर कर पाएंगे? हेल्थ रिपेयर कर पाएंगे, इसमें डंप फाइल वगैरह कराना सिखा रहे हैं सब। अच्छा, तो डंप कैसे राइट की जाती है, चाहे ऑनलाइन फोन हो ऑफलाइन फोन हो, सारा कर पाएंगे? यस सर। सीपीयू वाइज कर पाएंगे? सीपीयू वाइज। अब चलिए, ब्लैक पेस्टेड पे काम किया आज आपने? आज किया है, कल भी दो दिन फोन किए थे। ये सारे फोनों पे काम किया आपने? हाँ जी। तो इससे पहले करते थे आप? इससे पहले भी करते। अभी ब्लैक पेस्टेड काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ब्लैक पेस्टेड कैसा लग रहा है, हार्ड लग रहा है या हलवा लग रहा है? सॉफ्ट लग रहा है। इससे पहले करते थे? नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। मेरा नाम सोनू है, मैं हरियाणा से। सोनू, ये बताइए आज सर, जो हम फोन लेके आए थे सारे डायग्नोस हो रहा है एमएमसी क्लास में, हेल्थ एमएलसीएल एससीएल जो सारे रिपेयर करे जा रहे हैं। जी सर। इससे पहले जानते थे कि एमएलसीएल क्या होता है? नहीं सर। हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं, किस आईसी की हेल्थ रिपेयर हो सकती है? नहीं सर। अभी कैसा लग रहा है काम करके? अब तो सर ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं ब्लैक वेस्टेड को। अभी मैंने क्या है, 10 मिनट में कर दिया मैंने सफाई भी। सर मेरा नाम सोनू, मैं हरियाणा सर। सोनू जी बताइए कैसा सर, क्या कर रहे हैं अभी आप? अब पेस्टेड आईसी के क्लास है सर आज, उसके बारे में जानकारी ली। तो इससे पहले करते थे क्या ब्लैक पेस्टेड को? नहीं सर, पहले नहीं करता, फर्स्ट टाइम। ब्लैक पेस्टेड काम मेरे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिसी क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है। यूनिसी से रिलेटेड इतना नॉलेज था आपको, हाई स्कूल प्रोफेसर हैं फिलहाल? नहीं, बहुत ज्यादा मिल गया सर, मुझे पता है। कर पाएंगे अभी आप? हां कर पाएंगे। कंटिन्यू करिए। हां जी, क्या कर रहे हो अभी आप? सर ब्लैक पेस्टर आईसी थी, बस लगाई है। ब्लैक पेस्टर आईसी जी। ब्लैक पेस्टर आईसी पे काम कर रहे हैं? जी सर। डेली हैंड स्किल पे काम सिखाया जा रहा है? जी सर। एमएमसी क्लास कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, तीन दिन से ही कर रहे हैं। एमएमसी से रिलेटेड अभी जो फॉल्ट आ रहे हैं वो सर लाइव आपको दिखा रहे हैं? जी सर, अभी 6-7 फोन किए हैं इधर। तो लाइव देखा आपने? जी हमने देखा। वहाँ पे स्टूडेंट भी कर रहे हैं काम? सर मैंने खुद ने किया है, मेरा फोन था वो मैंने खुद ने किया। क्या फॉल्ट था उसमें? उसमें सिस्टम एरर आ रही थी। तो अभी सॉल्यूशन हो गया? हाँ चालू हो गया। क्या फॉल्ट निकला? जी सर निकल गया। ठीक है। जी सर, हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, नाम और आप कहाँ से? मैं हरदीप सिंह, पंजाब। बताइए आज एमएमसी क्लास क्या कंसेप्ट था, आज क्या पढ़ाया जा रहा है आज? आज सर तीसरे दिन की क्लास ही एमएमसी की, तो हमें लाइव डायग्नोसिस बताया गया। लाइव लाइव डायग्नोसिस बताया गया जी। क्या बताया गया आज किसी क्लास? लाइव सर सेट का
जो डेड थे उनको चलाया गया है। तो उसमें क्या फॉल्ट निकले? तो बहुत सारे फॉल्ट थे सर, किसी की रैम में दिक्कत थी, किसी की एमएलसी में दिक्कत थी। स्टोरेज आईसी का एमएलसी हेल्थ प्रॉब्लम था एमएलसी से? जी 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 बिल्कुल। तो वो कर पा रहे हैं अभी? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो इससे पहले करते जानते थे? नो, इससे पहले रियली ब्लैक शर्ट पे काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। कितने बोर्ड पे काम कर लिया आपने? ये दो, ये पड़े हैं, तीसरा ये पड़ा है, तीसरा ये पड़ा है। इससे पहले करते थे ब्लैक शर्ट? नहीं सर, कभी हाथ नहीं लगाया। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, काम कर रहे हैं, लाइव काम कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे सर टेलीकॉम? बहुत बढ़िया सर, गुड लक। जी सर, मैं गुड्डू कुमार, बिहार समस्तीपुर से। गुड्डू जी बताइए, आज तीसरे दिन क्लास में एमएमसी क्या कराया? सर ब्लैक पेस्टेड आईसी, सीपीयू, एमएमसी सब दोनों को मैंने रिमूव किया, ब्लैक पेस्ट को क्लीन किया, सब प्रॉपर तरह से मतलब बताया जा। मैंने दो बोर्ड पे किया सर, ये आज मैं ये किया था और कल ये किया था। हाँ सर, डेली कर रहे हैं। नहीं सर, इससे पहले इतना नॉलेज नहीं था। ये अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। म्यूजिक क्लास कैसे चल रही है? बहुत अच्छा। आज आपको लाइव टेस्ट से डायग्नोस हो रहा है? हाँ सर। कैसे चल रही क्लास? बहुत अच्छा। तो हमारे साथ स्टूडेंट और अपना नाम और आप कहाँ से? मैं प्रशांत रेड्डी है, हैदराबाद से। प्रशांत जी बताइए, आज एमएमसी में क्या कराया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है आज? आज पूरा एमएमसी में प्रोग्रामिंग, और परसों भी करे सो, आज भी करे सो, कल भी करे सो, आज भी करे सो, पूरा ब्लैक पेस्ट सीपीयू और एमएमसी की निकाल के माउंट रिमाउंट भी कर रहा रहे और डायग्नोज भी हो रहा। तो अभी कितने बोर्ड पे काम कर लिया? मैं तो पूरा तीन बोर्ड से करा लिया, ये दो, तीन। तीन बोर्ड पे काम कर लिए? जी डेली काम सीख रहे हैं यहाँ पे? जी डेली सर, हर दिन का। ब्लैक पेस्ट नहीं सर, का ब्लैक पेस्ट व्हाइट पेस्ट वो मालूम ही नहीं है हमारे को। तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने प्रिंट डैमेज हो रहे हैं? पहले तो हो गया सर एक मोबाइल पे, वो भी सीपीयू हो गया, अभी तो एक भी नहीं हुआ सर। एक भी नहीं हुआ है विद इट क्लीन? यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? सर अब्दुल खान, आसाम से। अब्दुल जी, आप एज अ फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो एमएमसी की प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है? जी सर, समझ में तो आ रही है। ये डीटी क्या होता है, बैकअप क्या होता है, राइट क्या होता है, ये सारा जी, समझ में आ रहा है? एमएमसी की क्लास में अच्छा से समझाते हैं जी, और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं पूरा। तो एमएमसी में आप एज अ फ्रेशर होकर के भी ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं आप? जी मैं कर रहा हूँ, डेली कर रहे हैं, खोल के लगा दिया जी। तो अभी इससे पहले इतना, हालांकि आप तो फ्रेशर हैं तो नॉलेज तो था नहीं, तो क्या कोडिंग प्रोग्रामिंग जो एमएलसी एसएलसी का हेल्थ रिपेयर कैसे करते हैं, किस कौन सी ऐसी हेल्थ रिपेयर हो पाएगी उसे पता कर पाएंगे? हाँ अभी तो कर पाऊंगा, कर पाएंगे। कितने बोर्ड पे ब्लैक पेस्ट काम कर लिया? मैं दो किया, लेकिन कल थोड़ा सा पेट उखड़ गया था जी, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ जी। आज तो ठीक ठाक कर, आज एक भी पेट नहीं उखड़ा? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम उत्तम साहू है सर, मैं वेस्ट बंगाल से। उत्तम जी बताइए, आज एमएमसी की तीसरे दिन क्लास चली, आप भी एज अ फ्रेशर हैं, तो बताइए फ्रेशर होने के नाते अभी भी फ्रेशर है क्या? नहीं सर, अभी फ्रेशर नहीं है। तो इससे पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर, नहीं था कि एक फ़ोन में इतना कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो मिलन सर आपको पढ़ा रहे हैं, कोडिंग जो पढ़ा रहे हैं, डीटी क्या होता है, बैकअप क्या होता है, राइट क्या होता है, जीपी पार्टीशन क्या होता है, ये सारा कुछ पता चल रहा है? यस सर, पता चल रहा है। तो जीपी पार्टीशन क्यों करना है, कब करना है, किस आईसी में करना है, वो भी पता चला अभी? यस सर, यस सर। कितने बोर्ड पे ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? अभी मैं सर तीन बोर्ड पे सर, ये तीसरा बोर्ड पे सभी काम कर रहा हूं। ये सर देखिए सर, ये सारे बोर्ड में सर निकाल के रिबोलिंग करके सर रखे हैं सर ये। अच्छा, तो इससे पहले कर पाते थे? नहीं सर। अभी कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्ट? अभी सर ये रिसेंट अभी रिवोल्व किए सर ये। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम सर। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ सर। राजेंद्र जी बताइए, आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में क्या सिखाया जा रहा है? सर एमएमसी में तीसरे क्लास में कैसा है सर, मतलब मैं अभी ब्लैक पेस्ट आई सी को निकाल के रिबोलिंग कर रहा हूँ उसको। और एमएमसी का क्या कॉन्सेप्ट था आज? एमएमसी का क्लास था डॉम पॉइंट कैसा है, क्या रीड करने का कैसा है, मतलब जो एमएमसी में प्रॉब्लम आता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर। तो इससे पहले इतना नॉलेज था भी आपको? नहीं सर, उसके बारे में तो नॉलेज नहीं था, एमएमसी के बारे में। तो अगर एक एमएमसी फ्लैश, एक फोन को फ्लैश कर रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है, एरर के साथ क्या फाइंड आउट करना है, क्या चेक करना है जी, किस कैसे डायग्नोज करना है जी, जो सर की कोडिंग है, डीटी, ये सब बैकअप, ये सब पता चल रहा है जी सर? जी सर। कैसे चली ओवरऑल क्लास? जी सर बढ़िया। कितने बोर्ड पे काम कर लिया ब्लैक? अभी सर दो बोर्ड। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं तो किशोर कुमार साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज एमसी की तीसरे दिन क्लास चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है आज? डम फाइल तथा मतलब एमएमसी के प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं हम लोग आज। जी मींस कैसा है कि एक फ़ोन आपके पास आया, फ्लैश डेड फ़ोन है, पोर्ट बना रहा है, आपने फ्लैश किया, फ्लैशिंग में एरर आया, तो फिर एरर आने के बाद क्या क्या काम करना है, क्या क्या चेक करना है, पता चला अभी आपको? जी सर। लाइव पता चला? जी सर। आपने सॉफ्टवेयर क्लास में भी देखा था कि एक फ़ोन में एरर आ रहा था, मॉडेम में एरर आया, फिर आपने यहाँ वही सेट को बनाया सर, यहाँ बन गया है जी। तो वो सारा चीज़ विद लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है जी सर। इससे पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। ब्लैक टेस्टेड भी कितने बोर्ड पर काम कर लिया? अभी मैं चौथा बोर्ड है। तो ये डेली प्रैक्टिकल करा जा रहा है जी। अभी कैसा लग रहा है ब्लैक टेस्ट? बहुत बढ़िया सर। हलवा लग रहा है जी? बहुत आसान लग रहा है। सुधीर जी बताइए, आज एमएमसी का तीसरा दिन का क्लास चल रहा है, कैसी चल रही है एमएमसी क्लास? एकदम बढ़िया चल रही है। आपके एमएमसी से रिलेटेड फोन थे? एक फोन था ना, नोट 5 का। क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम निकला उसमें, क्या किया? लोगो पे स्टक था, सेकंड बूट पे नहीं जा रहा था। तो उसका क्या आपने देखा प्रॉब्लम? कोई एमएमसी से प्रॉब्लम था उसका? क्या प्रॉब्लम था उसमें एमएमसी में? उसका हेल्थ खराब था। हेल्थ खराब था? तो आपने लाइव देखा उसको? लाइव देखा कि हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, बैकअप कैसे लेना है, फिर राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है सब। तो इससे पहले नॉलेज था? इससे पहले नहीं था। नहीं था। अभी पता चला। कितने बोर्ड पे काम कर लिए? दो बोर्ड पे काम कर लिए। कैसा हैंड स्किल अभी इम्प्रूव? अच्छा है, बढ़िया है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? बहुत बढ़िया। सर नितिन वर्मा बनारस से। जी बताइए, आज एमएमसी की तीसरे दिन क्लास में क्या कराया जा रहा है? सर एमएमसी को प्रोग्रामिंग करना है, कैसे करना है सब कुछ, क्या एरर आ रहा है तो कौन सी फाइल इसमें इंटर करना है, क्या रीड करना है, क्या राइट करना है, वो पूरा। तो इससे पहले इतना नॉलेज था आपको एमएमसी का? इसके पहले कभी किया ही नहीं था सर। अभी कैसा सर का पढ़ाने का तरीका, क्या? अब कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर ने आपको एक चीज़ भी नोट डाउन करा है? एक एक चीज़ जैसे पूरे बातचीत के लैंग्वेज में पूरा नोट है, एक बार नोट देख लेंगे समझ में आ जाएगी करना। ब्लैक फ्रस्ट्रेट काम करते थे इससे पहले? कुछ भी नहीं, ब्लैक बोर्ड पे काम कर लिए। दो पे किए हैं अभी, एक तीसरा रखा हुआ बैकअप में, चार हैं टोटल बोर्ड। चार है बोर्ड यहाँ पे। तो डेली आप यहाँ पे ब्लैक फ्रस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं? तीसरा निकाला है, अंदर भी है, चौथा यहाँ पड़ा हुआ है। तो इससे पहले करते थे कभी? नहीं। अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, अब आसान हो गया पूरा। स्टूडेंट और अपना नाम और आप कहाँ से? हाँ सर नमस्ते, मैं नेपाल से हूँ सर। मेरा नाम दिलीप चौधरी है। तो आपकी एमएमसी की तीसरी दिन क्लास चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है? सर इस क्लास में हमें ईएमएमसी प्रोग्रामिंग और अगर ऑनलाइन से भी फ़ोन को हम फ्लैश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसका सलूशन और ईएमएमसी के बारे में वो पढ़ा जा रहा है सर। उसके बाद फिर आपको हैंड स्किल के लिए ब्लैक पेस्टर पे डेली काम कराया जा रहा है? हाँ सर, तीसरा दिन हुआ। काम किया हमने सर, तीसरे दिन में 3 बोर्ड को किया। ये वीवो का सेट है और ये 2 व्हाइट पेस्टेड का सेट है सर। तो इससे पहले कर पाते थे? सर इससे पहले बहुत डर लगता था सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सर डर कुछ नहीं लगता है, बस काम सक्सेस हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? हेलो सर, मेरा नाम राम शकल मौर्या हूँ, बम्बई से हूँ सर। तो एक्चुअली बताना चाहूँगा, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, तो इससे पहले आप कभी काम किए नहीं है? कभी किए नहीं सर। क्या एमएमसी के प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। समझ में आ रही है? सब आ रही सर। ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा हूँ सर? नहीं सर, नहीं सर। ब्लैक पेस्ट पर डेली काम कर रहे हैं? हाँ डेली कर सर। ये दो बोर्ड पे काम कर रहे हैं? तो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट होने के नाते आप ब्लैक पेस्ट व्हाइट पेस्ट पर काम कर रहे हैं, कहाँ पॉसिबल है? बोलो। हाँ सर, पॉसिबल है? ऐसे टेलीकॉम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल तो नहीं, एकदम हिम्मत से काम करो सर, एकदम हिम्मत से काम करो। हाँ सर। तो इससे पहले काम करते थे आप? नहीं सर, कभी किए ही नहीं सर अभी तक। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है सर। जी सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? जी आशुतोष दीक्षित, उत्तर प्रदेश से। आशुतोष जी बताइए, आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में क्या कराया जा रहा है? सर प्रोग्रामिंग करना सिखा रहे हैं और सर ब्लैक पेस्टर निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना और सही से क्लीन करना। कितने बोर्ड पे ब्लैक पेस्टर पे काम कर लिए? सर 2-3 बोर्ड पर। 3 बोर्ड पे काम कर लिए। अभी क्या कर रहे हो? अभी ये वीवो का ब्लैक पेस्टर है, इसको रिमूव कर रहे हैं। इससे पहले करते थे क्या?
सर करने की कोशिश करिए आधे बार, लेकिन सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए। अभी एमएमसी क्लास में आपको कैसे एमएलसी सेलसी चेक करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, कैसे फुल डंप लेना है, हाफ डंप लेना है, ये सारा कुछ पता चल रहा है? समझ में आ रहा सब। कैसे चल रही क्लास? हो बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल के साथ? यस सर। तो चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ सर नमस्कार, मैं गुजरात से विष्णु जी। सर गुजरात से हैं तो बताइए, आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? सर आज डम फाइलों को और फ्लैश फाइल को कैसे और रीड किया जाता है उसके बारे में सर ने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, और सर हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलन सर की कोडिंग समझ में आ रही है? हाँ सर, सब समझ में आ रही है, जैसे सर पढ़ाते हैं वैसे हम बहुत अच्छे से पढ़ते सर। उसके बाद फिर हम बात करें ब्लैक टेस्ट पे डेली काम कर रहे हैं आप? हाँ सर, पहले तो सर डर लगता था, अब कोई प्रिंट उखाने का कोई चांस नहीं सर, सब अच्छे से निकालते हैं सर। देख सकते हैं क्लीनिंग के साथ इन्होंने काम किया, इससे पहले इतना काम कर? नो सर नो। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद सर बहुत अच्छा लगता है सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मणिकंदन मेरा नाम है, मैं तमिल से। तो मैं इनके लिए बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, मीन्स अपना बैच बताइए कब आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए? 2019 में आया था 28 अक्टूबर। तो ये 2019 के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करके केवल गए थे। तो अगर आपको यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं पढ़ाया गया होता तो क्या आप वापस एमएमसी के लिए आते? आप नहीं तो आप क्यों फिर वापस आए ऐसे टेलीकॉम? ऐसे एमएमसी का काम सीखना था तो इसलिए आया। काम सीखना था तो क्या आपको क्यों यही लगा कि ऐसे टेलीकॉम ही चलना चाहिए? नहीं पहले मैं आगे कर गया तो मुझे अच्छा लगा तभी आया। अच्छा लगा तो अभी कैसा आपका डिसीजन रहा? अभी ठीक है, डिसीजन सही रहा। यहाँ पे ब्लैक प्रेशर पे डेली काम कर पा रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे चल रही एमएमसी क्लास? हाँ ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम निकी है सर, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। तो निकी जी आप हमें ये बताइए कि आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में क्या कराया जा रहा है? सर आज के क्लास में सर हाफ डम फुल डम कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कौन सा आईसी के लिए क्या मतलब कोई एरर अगर आ रहा है तो उसको फिक्स कैसे करते हैं, एरर कैसे फिक्स करना है? यस सर। तो क्या इससे पहले इतना नॉलेज था आपको? नो सर, पहले तो एमएमसी का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, लेकिन आज 2-3 दिन के अंदर मैं जितना समझ में आया कि हाँ आज के डेट में डेड हैंडसेट जितने भी आ रहे हैं सर स्टोरेज आईसी का ही प्रॉब्लम निकल रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम उसी से निकल रहा है तो सीपीयू से निकल रहा है? यस सर। तो इससे पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब ये नॉलेज लेकर के कैसा लग रहा है? ये नॉलेज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। डेली ब्लैक प्रेशर पे काम कर रहे हैं? यस सर। कितने बोर्ड पे काम कर लिए? 5-6 बोर्ड तो हो गए हैं। 5-6 बोर्ड पे काम कर लिए, कितने प्रिंट डैमेज हो रहे हैं? सर अभी तो एक भी नहीं हो रहा, पहले तो बहुत स्क्रैच आ जाते थे, अभी नहीं हो रहे। नो मतलब इंप्रूवमेंट हुआ? बहुत इंप्रूवमेंट। कैसा लगा ऐसे? बहुत अच्छा सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, मेरा नाम और आप कहाँ से? राजेश्वर दीवान सर। तो राजेश्वर जी बताइए कि आप एमएमसी का तीसरे दिन क्लास, आप कैसे स्टूडेंट हैं, तो क्या मिलन सर की कोडिंग समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। डीटी क्या होता है? डीटी के बाद फाइल हुआ तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है? सर जी सर, कंप्लीट कंप्लीट क्या होता है जो मतलब स्टडी भी जो कराया है वो कम्प्लीटली समझ आ रहा है, और सबसे बड़ी बीच तो मैं कहूँगा ब्लड टेस्टेड नाम सुना था जी जी, बाकी आज तीसरा रोज है मैं काम कर रहा हूँ उसमें और काफी अच्छा लग रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। पहले कर पाते थे? नहीं सर बिल्कुल। तो अभी देख सकते हैं कितने बोर्ड पे काम कर लिए आपने? 3 बोर्ड में सर। तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? फुल्ली सर। तो जीपी राइट किस आईसी कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते? हाँ सर सभी नॉलेज है, सभी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं? ये मैंने सीपीयू एमएमसी दोनों उतारा हुआ है, अभी वो Y91 है सर। तो एमएमसी क्लास कैसे चल रही है आपकी? बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छी चल रही है, क्या नॉलेज इतना था आपको? नहीं सर। तो ब्लैक पेस्टेड आप इससे पहले करते थे? नहीं। अभी कैसा लग रहा है, कितने बोर्ड पे काम कर लिए? मैंने 2-3 बोर्ड कर लिए। 3 बोर्ड पे काम कर लिए, कितने प्रिंट डैमेज हो रहे हैं? एक भी नहीं है सर। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप?
सर मैं ब्लैक पेस्टेड फोन से ही पीता हूँ। Okay, इससे पहले आप ब्लैक पेस्टेड पे काम करते थे? नहीं सर, इससे पहले नहीं। कितने बोर्ड पे काम कर लिया आपने? दो बोर्ड पे ही अभी। दो बोर्ड पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड पे उन्होंने काम किया बहुत क्लीनिंग के साथ। तो और एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। एमएमसी में इतना नॉलेज था आपको? ठीक है, ऐसी अगर आपकी एक फ़ोन डेड है, पोर्ट बना रहा है, उसे क्लैश करने में एरर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, पता चला आपको? हाँ पता चल गया। पहले कैसे चल रही है ओवरऑल क्लास? बढ़िया। इतना नॉलेज पहले था आपको? कहाँ सीखा? यहीं आके सीखा। एफए टेलीकॉम। ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, उनका नाम और कहाँ से हैं? सुधीर धनपुरे, महाराष्ट्र। सुधीर जी बताइए क्या कर रहे हैं आज किसी दिन की क्लास में? आज बहुत मतलब ईएमसी का डंप रीड करना, राइट करना, सब मतलब आज बताया। तो ये डंप, हाफ डंप, फुल डंप क्या होता है, क्रिटिकल फाइल क्या होती है, बैकअप कैसे लेना है, किसी भी आईसी का रीड राइट करना है, एरर आ रहा है तो क्या करना है, सारा कुछ पता चला? हाँ, आज पूरा मालूम हो गया। और उसके साथ सब ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? हाँ। कितने बोर्ड पे काम कर लिए? ये तीसरा बोर्ड है अभी। और बोर्ड्स कहाँ हैं आपके? ये इधर एक रखा है, दिखाइए। तो देख सकते हैं ये वीवो ओप्पो के बोर्ड्स हैं। तो इससे पहले इतना नॉलेज था? नहीं था इतना। कैसा लग रहा है अभी काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। विद प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं? विद प्रैक्टिकल। डेली हैंड स्किल पे काम कर रहे हैं? डेली डेली। लाइव बोर्ड पे काम सिखाया जा रहा है? यस। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से बताइए? मेरा नाम सर गौरव सिंह है। गौरव जी क्या कर रहे हैं अभी आप? सर पेस्टेड आईसी निकालने जा रहे थे। पेस्टेड आईसी को काम करने जा रहे हैं? तो क्या इससे पहले आप तो नहीं करते? नहीं, आप तो नहीं करते थे। नहीं। अभी आपकी एमएमसी का क्या क्लास चल रही है आज? सर प्रोग्रामिंग का चल रहा है, इसका डंप लेने का। आपके कुछ फोन थे वहाँ पे? हाँ लाए, एक लाए। तो क्या फॉल्टिंग क्लास में? अभी उसको चेक नहीं किया गया है। अच्छा, नहीं किया गया। और आज जो डायग्नोस हुए हैं, क्या क्या फॉल्ट था उसमें? उसमें सब में एमएमसी का ही फॉल्ट था। क्या फॉल्ट था? क्या बैड हेल्थ था उसमें? बैड हेल्थ था जी। तो एमएमसी से अगर किस आईसी को रिपेयर कर सकते हैं, किस आईसी पे कर सकते हैं, पता चला? सब पता चला गया। आपको स्टेप बाई स्टेप पता चला कि डायरेक्ट जीपी राइट कर देना? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप मुझे देखना है सब कुछ। पहले चीज़ जो उसका आता है उसको पढ़ना है, बिल्कुल काम करना है। क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हमारे साथ स्टूडेंट और है, उसका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम सुमन प्रामाणिक है, मैं वेस्ट बंगाल से। सुमन जी बताइए कि तीसरे दिन क्लास में क्या चल रहा है आपको? आज तीसरे दिन क्लास में सुबह जब आया था यहाँ पर ईएमसी प्रोग्राम का क्लास हुआ था। तो इससे पहले आप कर पाते थे क्या? नहीं, कभी तक नहीं किया। वो ईएमसी क्या होते हैं वही मेरे को मालूम नहीं था। नहीं मालूम था नहीं। तो अभी यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड पर डेली काम कर रहे हैं? डेली काम कर रहे हैं। कितने ब्लैक पेस्टेड पर काम कर लिया? तीन चार कर लिए। दिखाइए बोर्ड, दिखाइए ये बोर्ड है, देखो आईसी निकाल के इसको रिवॉल्व कर, क्लीन करके रिवॉल्व। तो ऐसा तो नहीं वीडियो के लिए आपने ऐसे ही आईसी निकाला और आप वीडियो? अभी किया, खुद से किया। इससे पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं। कैसा लगा ऐसे डेली? बहुत अच्छा। आईसी के निकालना कैसे होते हैं ये भी मालूम नहीं था। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम पिंटू, उड़ीसा से है। पिंटू जी कितने फ़ोन लेकर के आए थे आप? फोन 10-20 होगा। अच्छा, ये फ़ोन बनवाने आए थे कि सीखने आए थे? बनता कैसे? बनता कैसे जानने आए थे आप? तो जो आपके फ़ोन थे आज कुछ फ़ोन डायग्नोज हुई आपसे? हाँ सर, आज एक पीस हो गया और एक पीस। क्या फॉल्ट निकला उसमें? उसका ईएमसी का प्रॉब्लम था। ईएमसी का प्रॉब्लम था, उसका हेल्थ रिपेयर हुआ। हेल्थ रिपेयर हुआ, तो वो चीज़ आपने लाइव देखा? यस सर। तो इससे पहले पता था हेल्थ रिपेयर? नहीं नहीं सर, उसके बाद पार्टीशन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं। तो कैसे चल रही क्लास? बहुत बढ़िया सर। ब्लैक पेस्टेड पर डेली काम कर रहे हैं? यस सर। दिखाइए बोर्ड, दिखाइए। ये देखिए सर। कितने बोर्ड पे काम कर लिए पिंटू? अभी तक चार बोर्ड हो गए। चार बोर्ड पे काम कर लिए। कितने प्रिंट डैमेज हो रहे हैं? नहीं नहीं, एक में था, एक एनसी का मैंने प्रिंट उखड़ा था। तो अभी एनसी भी जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर। कैसे चल रही क्लास? बहुत बढ़िया सर। ये GPW पूरा कंप्लीट। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? सुशांत सतारा, महाराष्ट्र से। सुशांत जी कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में आप? इस फील्ड में सर 10 साल से हूँ मैं। 10 सालों से क्या कर रहे थे आप, मतलब ये मालूम था एमएमसी के बारे में इतना? जी नहीं, इतना मालूम नहीं था, क्योंकि आजकल के जितने ही फ़ोन आ रहे हैं या तो सीपीयू या तो स्टोरेज आईसी से फॉल्ट आ रहा है। तो अभी कैसा लग रहा है एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में, कैसी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सर। अच्छे मिलन सर ने अच्छे से ट्रिक्स वगैरह बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर लाइव फोन डायग्नोस हो रहे हैं? यस सर। मतलब एक बंद फोन है, डेड फोन है, पोर्ट बना रहा है, फ्लैशिंग मिरर आ रहा है, उसको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है? स्टेप बाय स्टेप वो अच्छे से बता रहे हैं सर। ब्लैक पेस्टेड पे डेली काम सीख रहे हैं आप? यस सर। कितने ब्लैक पेस्टेड पे काम कर लिए सर? अभी दो हैंडसेट पे हो गए। दो हैंडसेट पे, इससे पहले करते थे? जी नहीं। अभी कैसा लग रहा है हैंड स्किल? बहुत कॉन्फिडेंस अच्छे से आ रहा है सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। चलो
तो हमारे साथ स्टूडेंट हो रहे हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। तो बताइए, आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास चल रही है, तो आप एज अ फ्रेशर थे कि पहले से काम करते थे? कुछ छोटा सा काम करते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे। तो अभी एमएमसी का कैसा नॉलेज मिल रहा है आपको? अच्छा सर। एमएमसी की प्रोग्रामिंग कोडिंग समझ में आ रही है? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि कोडिंग समझ में ना आ रहा हो? जीपी राइट क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है? इजी ट्रिक्स में समझ रहे हैं, इजी ट्रिक्स में समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई प्रोग्रामिंग करे, उसकी एमएमसी की हेल्थ खराब हो, तो उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ सर। ब्लैक पेस्टर पे डेली काम कर रहे हैं? हाँ। कितने बोर्ड पे काम कर लिया? आज दो किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये काम डेली कर रहे हैं यहाँ पे। हैंड स्किल इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर। अभी करेंगे? हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो फाइनली हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? अक्षय सिंह, बिहार से। अच्छा जी, बताइए आज एमएमसी के तीसरे दिन क्लास में क्या सिखाया जा रहा है? आज पूरा डम फाइल प्रोग्राम करके फिर डम, हाफ डम, फुल डम क्या होता है, सिक्योरिटी फाइल, नेटवर्क फाइल क्या होती है, क्रिटिकल फाइल क्या होती है, सारा कुछ पता चला? यस सर। ये सब थ्योरी बस है कि प्रैक्टिकल चल रहा है? नहीं सर, पहले थ्योरी और फिर। कितने फोन का डायग्नोस देखा आज आपने? आज करीब 7-8 फोन। 8 फोन का डायग्नोस देखा? 8 फोन आपसे लाइव बनते देखे आपने? यस सर। क्या फॉल्ट था, क्या सोल्यूशन निकाला हमने? जी बहुत अच्छे से। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे बात करूँ, ब्लैक पेस्टर पे डेली काम कर रहे हैं? हाँ डेली कर रहे हैं। कितने बोर्ड पे काम कर लिया? 3 बोर्ड पे। इससे पहले आप काम करते थे ब्लैक पेस्टर? इससे पहले ब्लैक पेस्टर। अब कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टर, हलवा लग रहा है या फिर? अब अच्छा लग रहा है, अब आसान लग रहा है कि अब कर लेंगे, कर पाएंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है। मार्च की बैच, कौन कौन लाइव है? सब लाइव है? क्या भाई तुम्हारे हाथ में? सर ये हैंडसेट है वीवो का Y90। ठीक है सर, ये डेट था सर। ठीक है, बोर्ड बना रहा था। हाँ। और आज यहाँ इसमें प्रोग्रामिंग किया अपन लोग। ठीक है, और ये मोबाइल चालू हो गया सर। ठीक है, आपके हाथ में क्या है सर, नाम बताओ अपना पहले। सर मेरा नाम दिलीप चौधरी है, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, और ये सर सर्विस सेंटर रिटर्न हुआ सेट है सर, ये नेपाल से सर्विस सेंटर रिटर्न था। हाँ सर। अच्छा, तो क्या किए तुमने इसके अंदर? सर इसमें हमने प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो ये सर विथ IMEI नंबर के साथ ये ऑन है सर, अभी पूरा ऑन है। हाँ सर। बता सकते हो? हाँ सर, देख लीजिए कैसा, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा चालू हुआ। जी आपके हाथ में क्या है? सर मैं गुजरात से विजय, ये फोन जूनागढ़ से मैं सर्विस वापस आया था, अभी लेकर आया इधर, आई में ओ सिस्टम का एरर था, सिस्टम एज बीन डिस्ट्रॉयड था इसके सर, वो एरर दूर हो गया आपका? दूर हो गया, चालू हो गया। चलिए ठीक है, आपके हाथ में क्या है? Y15 है, डेट था, एटो कोड बना, तो अभी भी डेट है, तो चालू करो ना इसको। चालू है, कैसा चालू? लगाओ पिन, लगाओ चार्जिंग के अंदर, ये देखो लगाओ पिन, लगाओ देखो प्रोग्रामिंग करने के बाद चालू हुआ, प्रोग्रामिंग करने के बाद चालू हो गया पूर्ण रूप। ये कैसे हुआ? प्लसिंग में डेट हुआ था। हाँ, प्लसिंग में डेट। आपने प्लस किए थे? हाँ। तो सर ये डेट बोर्ड आपने उसकी फाइल बनाया आपने? हाँ, चालू हो गया। चलिए ठीक है, आपके हाथ में क्या है? क्या दिक्कत थी इसमें? सॉफ्टवेयर से डेट हो गया था। तो अभी क्या पोजीशन है इसकी? अभी ऑन हो गया। ऑन हो गया, कैसे किया आपने इसको? प्रोग्रामिंग सर ने करी कि तुमने करी? हमने करी। आपने करी, तो नॉलेज आ गया आपने एमएमसी की क्लास, तो तीसरे दिन की क्लास, इतना नॉलेज कैसे आ गया क्या डेट मोबाइल बनाने लग गए आप? सर आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया, कैसे किया है? स्टेप बाय स्टेप, कंपोनेंट से लेके आज आप डेट फोन बना रहे हो। तो अभी ये बताइए कि जो आपने काम किया, आपने जो क्लास हुई, आप उससे संतुष्ट है कि नहीं है? yes, अभी कोई भी डेट अगर फोन आता तो आप बना सकने की क्षमता है कि नहीं आपने? हाँ। मजाक कर रहे हो कि सही बोल रहे हो? नहीं, सही बोल रहे। सही बोल रहे हैं। कोई सा भी डेट सेट बना सकते हो? yes, कोई सी भी एमएमसी उठा के उसको चेक कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है? yes, पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, आपके हाथ में क्या है? Note 5 Pro है। क्या दिक्कत था इसमें? फर्स्ट लोगो पे स्टक था। और अभी क्या पोजीशन है इसकी? अभी पूरा चालू है। ये सर ने क्या किया, आपने क्या? हमने किया। आपने क्या? अभी इस टाइप की प्रॉब्लम आती तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते? अगर एमएमसी में कोई सा भी प्रॉब्लम आता तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते? चलिए ठीक है, एक इनके हाथ में क्या है भाई, देखते हैं हम। Samsung का 8N है। यस सर। क्या प्रॉब्लम था इसमें? इसमें सर स्टक रीडिंग था। स्टक रीडिंग था? यस सर। कितने पे स्टक था ये? ये आपका 60-70 पे जाके स्टक था, है ना? यस सर।
ठीक है, तो अभी क्या पोजीशन है ये? अभी सर ये ऑन हो गई है, इसका सर ये एमसी खोल के हमने प्रोग्राम किया, ठीक है, अभी ये फोन कंप्लीट ऑन। तो ये सर ने क्या किया, आपने किया सर? ये हमने, तो आपके पास वो स्किल नॉलेज आ जाता है कि मतलब इस क्लास में आने के तीसरे दिन आप काम करने लग जाते हैं? सभी का एक क्वेश्चन होता है, एशिया टेलीकॉम में रिव्यू लेते हैं तो समझते हैं कि बोले सर फेक रिव्यू है, ऐसा कुछ है क्या? आप फीस देके बैठे हो कि बिना फीस से बैठे हो? तो आप गलत बोलोगे क्या? सर आप गलत नहीं बोलोगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, तो बताइए आपको यूएमसी का नॉलेज कैसा मिल रहा है? सर बहुत अच्छा मिल रहा है सर, यूएमसी का नॉलेज, मिलन सर का पढ़ाने का तरीका कितनी प्रिंट उखाड़ी आपने? पहले सर पहले बोर्ड में 2 प्रिंट उखाड़े, उसके बाद सर नहीं। क्यों नहीं उखड़ी वो? सर ने ट्रिक दिखाया खुद अपने हाथ से पकड़ के सर, ब्लैक पेस्टेड। तो यहाँ कितने वोट कर सकते हो? अनलिमिटेड वोट कर सकते हो यहाँ बैठ के? सर ये सर कर सकते 10, 15, 20, 25 जितने भी हो, जितने भी दे सकते। अभी घर में जाके अगर रीस्टार्ट कोई कस्टमर वो फोन लेके आता है तो आपको डर होगा क्या? रिस्क लोगे क्या कि फोन डेड होने की रिस्क लोगे क्या? फोन डेड होने की रिस्क लोगे कस्टमर से? नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस है आप में? चलिए ठीक है। तो हमारे साथ स्टूडेंट है पीछे से, गौरव है जी। गौरव बताइए अभी क्या पोजीशन है एमएमसी में आपको? सर अभी तो कोई भी एमएमसी रहेगा उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम कर सकते हो? तो फ्रेशर बंदा 3 दिन में इतना कैसे नॉलेज आ जाता है? सर यहाँ पे बहुत सारी बारीकियों के साथ बताया जाता है, एक एक स्टेप बताए जाते हैं, कहाँ हमें क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, सब कुछ बताया जाता जी। है अभी 3 दिन की क्लास हुई है, 14 तारीख को क्लास थी, 14 को थी, 15 को थी और आज 16 है जी, है ना। अभी 3 दिन के क्लास में सर हम मोबाइल को देख के 90% ये है जो 8-10 हैंडसेट दिख रहे हैं हाथ में लेके बैठे हैं, ये सारे बना के बैठे हैं आप, तो वो स्किल आ जाती है आपके पास? हाँ वो आंखों से देख के पता चल जाता है कि मुझे काम किधर करना है, काम किधर करना है, सीपीयू पे करना है, मेमसिप करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब मतलब जजमेंट आंखों से देख के मिलता है। बेसिकली कहाँ से हो आप? आजमगढ़ यूपी से हो। तो आजमगढ़ की यूपी की जनता को क्या बोलना चाहेंगे, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है आपको देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे उसको? बिल्कुल आना चाहिए और पेशेंस और अगर सीखने का जज्बा रहे तो ही आए, मस्ती करना हो तो ना आए। मस्ती करना तो नहीं। कितने घंटे की क्लासेस होती है वैसे यहाँ पर? 12-12 घंटे की हो जाती है सर, ऑलमोस्ट 12 घंटे की डेली होती है। अभी कल तो लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगा था, फिर भी लिखे, सुबह में भी लिखे, शाम को भी लिखे। तो खाली थ्योरी होती है कि प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल भी होता है। पेट भर के होता है, कोई गुंजाइश बाकी तो नहीं रहती ना? नहीं सर कोई। अभी ऐसा कोई सा ब्लैक पेस्टेड बोर्ड आपके पास रहेगा जिसपे आप काम नहीं करेंगे? कोई नहीं, ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है जिसपे हम काम न करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ स्टूडेंट है बिहार से। सर मैं जीतू कुमार, बिहार समस्तीपुर से। हाँ जी सोनू बताइए, एशिया टेलीकॉम में तीसरा दिन यूएमसी का आपका, यूं तो तुमको बहुत दिन हो चुके हैं, है ना? यस सर। तो तीसरा दिन यूएमसी का है, यूएमसी की ही बात करूंगा, यूएमसी की क्लास है, तो आपको कैसा लगा यूएमसी? बहुत अच्छा लगा। तो अभी की पोजीशन में क्या है तुम्हारे पास अपग्रेड, अगर कोई भी यूएमसी लेवल का काम आता है तो आप करने में सक्षम है? हाँ सर सक्षम, कर सकते हैं। डम फाइल बनाना हो, रीड करना हो, राइट करना हो, अनलॉक करना हो, यूएमसी को रिसाइज करना हो तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ विष्णु, गुजरात से। तो विष्णु आज आपकी एमएमसी का तीसरा दिन है, क्या क्या लेवल का आपको नॉलेज मिल रहा है? बहुत बढ़िया सर, टीप नॉलेज लेवल मिलता है, मिलन सर के द्वारा जो नॉलेज मिलता है वो सर बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है सर। तो अभी ये बताइए मुझे, अगर कोई भी अगर रजिस्टर्ड संबंधी मोबाइल आता है, एमएमसी चेंज करने के लिए आता है तो आप करने में सक्षम है? 100%। चलिए हमारे साथ स्टूडेंट है राजेश दिवाल सर, छत्तीसगढ़ से जी। आपके हाथ में भी हैंडसेट है, तो बताइए मेरे को कि क्या दिक्कत थी और कैसे सॉल्व किया आपने? ये मोबाइल डेड था सर। हाँ जी। और पोर्ट बना रहा था। हाँ। इसमें हम लोग मतलब यूएमसी में प्रॉब्लम किए हैं, उसके बाद डेड चालू हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो यूएमसी की क्लास हुई है आपकी, यूएमसी की क्लास हुई है, तो इसके पहले आपको कुछ नॉलेज था क्या? जीरो सर, जीरो। मैं यही चीज़ बोलने वाला हूँ कि जो एशिया टेलीकॉम की जो टीम है, मतलब एक से एक धुरंधर है सर, जो इस टीम में है एक से एक धुरंधर है। मैंने सोचा नहीं था इतना मतलब इस लेवल से मतलब यहाँ हो तो हो सकता है कह के, एक से मिलते तो अच्छा से नॉलेज बहुत ज्यादा है, फिर दूसरे से मिलते अच्छा से अधिक मेरे को नॉलेज मिल रही है। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप मिला है? बिल्कुल सर बिल्कुल, एक फ्रेशर को जो मिलना चाहिए उसके हिसाब से मिला, बिल्कुल मिलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टेट पुणे घूम रहा है।